masters. One advice, विधि, इट टुक मी 40 years, यू नो, टू अंडरस्टैंड. मैं डॉक्टर हूँ, मेडिकल मैम समझ सकती है. BMS को 4.5 साल आयुर्वेदिक किया है, दैट टू फ्रॉम बेलगाम, जहाँ पे सब कन्नड़ में पढ़ाते थे और मुझे कुछ नहीं समझता था, बीइंग स्टडिंग इन महाराष्ट्र. देन बस क्योंकि मुझे अच्छा परसेंटेज मिल गया था, मैं मेडिकल चली गई थी. आई हैड नथिंग नोइंग कि मैं मेडिकल क्यों कर रही हूँ. देन सबकी शादी होने लगी थी. आई कुड नेवर फॉल इन लव विद एनीवन. फिर मुझे लगा कि चलो मेरी शादी होनी चाहिए. आई सेड टू दैट कि सगळ्यांचे कांदे पोहे होतात, माझे कधी होणार. देन टाइम्स ऑफ इंडिया में ऐड देके शादी किया है मैम मैंने. एंड देन आफ्टर मैरिज आई रियलाइज्ड ये तो बड़ा बॉम्ब है, ये फूट चुका है, ये सब तो मुझे चाहिए नहीं था. तो मुझे लगा कि चलो चलो अभी ना बच्चा करते हैं, तो बच्चा होएगा तो लाइफ अच्छी हो जाएगी. आई बिकेम अ मदर. आई वॉज अ मदर फॉर 18 ईयर. 18 ईयर ओल्ड है मेरी बेटी अभी. मुझे एडिक्शन हो गया था परफेक्ट मदर बनने का. सब चक्कर में ना मुझे कभी पता ही नहीं था कि मुझे क्या चाहिए या मुझे क्या करना है. आई वॉज इन अ रेस ऑफ बिकमिंग व्हाटएवर आई डू आई शुड बी वेरी परफेक्ट. And that was bullshit. I would have lost my daughter in her teenage because I was such a bad parent to her in becoming a very perfect parent. That was the time I went to got coached. I understood ki life skills kya hoti hai. I understood ki humko kaise badalna chahiye. And as Manoj sir said very rightly, mujhe tab samjha ki achha mujhe na life ko jaisa kuch achha lagta hai. So one piece of advice is please know your why. कुछ भी कर रहे हो ना, अभी रिसाइन कर रहे हो, समझो ये फेस्ट कर रहे हो, तो व्हाई यू आर डूइंग इट. केमिस्ट्री कर रहे हो तो व्हाई यू आर डूइंग इट. यू शुड नो योर व्हाई. इफ यू नो इट, कीप ऑन एक्सप्लोरिंग. इफ यू डोंट नो इट, कीप ऑन डिस्कवरिंग इट. बट एक बार व्हाई मिल जाता है ना, तो फिर इमारत पक्की हो जाती है. व्हाई बदलता नहीं है ना, तरीके बदल सकते हैं. सो आइडेंटिफाई योर व्हाई, अपना मकसद क्या है ये पहचानने में थोड़ी इन्वेस्ट अपना वक्त करो तो अच्छा रहता है. यू आर सच ब्यूटीफुल पैनलिस्ट यार, इनसे जाओ मिलो. ये इस मकाम पे कैसे पहुंचे, उनका चैप्टर वन क्या था. डोंट गो डायरेक्टली टू दैट 20th चैप्टर ना. उनका चैप्टर वन क्या था, किसी ने BSc करके MBA किया. यू हैव सच अमेजिंग गायनेकोलॉजिस्ट. सुदेश ने अपना स्टोरी बताया. अंडरस्टैंड हाउ दे फाउंड देयर व्हाई. फाइंड योर व्हाई, गो अहेड, रॉक योर लाइफ. यू आर यंग, यू हैव लॉट टू डू. दैट वाज माय पीस ऑफ एडवाइस.